हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हम लोग छोड़े थे बेसिक ओपन लूप सिस्टम पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो वी हैव डिस्कस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम को हम डिवाइड किए थे बेसिक ओपन लूप सिस्टम में और जनरल ओपन लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम को हम डिवाइड किए थे निगेटिव फीडबैक सिस्टम में और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। तो बेसिक ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। बेसिक ओपन लूप सिस्टम को डिफाइन किए थे, बेसिकली द बेसिक ओपन लूप सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच द पोल, जो पोल होता है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम डोमेन पैरामीटर। जो बेसिक ओपन लूप होता है उसमें पोल टाइम डोमेन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स हम टाइम को कहीं भी चेंज, मतलब प्रेशर चेंज कर, ह्यूमिडिटी चेंज कर, बारिश हो रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पोल एज इट इज सेम प्लेस रहेगा। मीन्स बेसिक ओपन लूप सिस्टम इज अ हाईली स्टेबल सिस्टम, इसमें फीडबैक नहीं होता है। एग्जाम्पल हम ले चुके थे ट्रैफिक लाइट, फैन, आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है पूरे सिस्टम में या उसके सब सिस्टम में भी फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। बट ये है हमारा जनरल ओपन लूप सिस्टम। ये जनरल ओपन लूप सिस्टम इस साइड टाइप का कुछ होता है जिसमें पूरे सिस्टम में एक फीडबैक ना हो, लेकिन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडबैक। समझो, एक सब सिस्टम, सिस्टम में एक पार्ट होता है सब सिस्टम, वो सब सिस्टम तुम्हारा फीडबैक कंसिस्ट कर रहा है, भले तुम्हारा आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक नहीं। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज अ पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। फीडबैक बैक होता है, यानी आउटपुट से इनपुट की तरफ जो पाथ आ रहा है उसको बोलते हैं फीडबैक पाथ। जो इनपुट से आउटपुट जा रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। ये सारा हम डिस्कस करेंगे बच्चों ब्लॉक डायग्राम में, जब हम स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ेंगे। फिलहाल जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम जान लें कि फीडबैक पाथ क्या होता है। फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट जो पाथ तुम्हारा कंसिस्ट हो, That is feedback. फिर से क्या हो रहा है, बैक ही फीड हो रहा है, उसको हम फीडबैक पाथ कहते हैं। फॉरवर्ड मतलब इनपुट टू आउटपुट, आगे जा रहे, बैकवर्ड मतलब फीडबैक, ठीक है। तो अगर पूरे सिस्टम के किसी सब सिस्टम में कोई तुम्हारा क्लोज पाथ है तो चलेगा, ठीक है, दैट इज तुम्हारा जनरल ओपन लूप सिस्टम। बट बेसिक ओपन लूप सिस्टम में कहीं भी फीडबैक पाथ नहीं होता है, ठीक है। ये ओपन लूप क्यों है, क्योंकि इसके आउटपुट से इनपुट में कोई भी फीडबैक नहीं है। अगर आउटपुट से इनपुट में क्लोज पाथ होता, फीडबैक पाथ होता, तो वो क्लोज लूप सिस्टम हो जाता। लेकिन देखो, यहाँ इनपुट और आउटपुट क्या ओपन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड है, तो ये ओपन लूप सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं जनरल ओपन लूप सिस्टम। भले पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज सिस्टम टू वन, दिस इज अ सब सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, इसमें एक पाथ कंसिस्ट कर रहा है, एक फीडबैक पाथ है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में तुम्हारा कोई भी फीडबैक नहीं, कंप्लीट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल ओपन लूप सिस्टम। ये डिफरेंस होता है बेसिक ओपन लूप और जनरल ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिस्टम वन को पहले देखेंगे। तो एक्सेस आउटपुट इस, अगर इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, सिस्टम वन को हम देख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्सेस बाई आर एस इज इक्वल टू के आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू के, लिख सकते, बताया हम लोगों को पहले। सिस्टम टू में देखो एक फीडबैक पाथ है, तो ये कैसा है, दिस इज अ क्लोज सिस्टम। तो हम तुम लोग को बता देते हैं कि क्लोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम का हम डिराइव करेंगे आगे। फिलहाल देखो, सी एस आउटपुट बाई इनपुट इज इक्वल टू जी एस बाई वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। वॉट इज जी एस, दिस इज फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड गेन। वॉट इज जी एस, दिस इज फीडबैक गेन। जी एस इज फॉरवर्ड गेन, एच एस इज फीडबैक गेन। तो यहां पे इस सिस्टम में देखो, दिस इज तुम्हारा जी एस, यहां पे एच एस क्या होता है, एच एस विल बी इक्वल टू वन। तो जब हम इसे निकालेंगे वैल्यू, दैट इज सी एस आउटपुट बाई इनपुट, इनपुट क्या हो गया, एक्सेस, एक्सेस। और ये देखो ये कैसा फीडबैक पाथ है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि सिस्टम में से माइनस का रेजिस्टेंस हो, ठीक है,
ये माइनस कर रहा है निगेटिव कर दे रहा है सिस्टम को, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है dSy1GSHS। ये कैसे आता है बताएंगे, तो CSyHS इक्वल टू GS, GS कितना है 1/S डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इनटू HS, तो GS कितना है 1/S इनटू 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/S डिवाइडेड बाय S S प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/S इनटू S डिवाइडेड बाय S प्लस 1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस SY 1/S प्लस। तो ये सिस्टम आ गया तुम्हारा, हम लिख दे रहे CSyXS इज इक्वल टू 1/S प्लस। तो देखो यहां पे आया है तुम्हारा CSyXS इक्वल टू 1/S प्लस 1, XS/RS इक्वल टू k, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, CSyRS आउटपुट बाय इनपुट, CS बाई आर एस की है ना, सी एस बाई आर एस, तो हम क्या कर दे रहे सी एस ये दे देखो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कैसे है, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कैसे है कैस्केडेड, तो सी एस बाई आर एस हमारे क्या आ जाएगा सी बाई एस प्लस के बाई एस प्लस CS/RS, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यह है तुम्हारा जनरल ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट विल स्टडी क्लोज लूप सिस्टम। तो देखो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम को हम डिफाइन करें तो एग्जैक्टली तो बोल दोगे कि मैम जिसमें फीडबैक पाथ होता है, ये हम जानते हैं जिसमें फीडबैक पाथ होता है वो क्लोज हुआ, जिसमें फीडबैक पाथ नहीं होता उसको ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। ओपन लूप सिस्टम स्टेबल होता है, क्लोज लूप स्टेबल भी होता है, माइट बी अनस्टेबल, अनस्टेबल भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम रिलायबल नहीं है लेकिन क्लोज लूप सिस्टम रिलायबल है। लेकिन इसके अलावा तुम क्लोज लूप सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे, तो क्लोज लूप सिस्टम को डिफाइन करेंगे इफ द पोजीशन ऑफ द पोल, तो पोल होता है अगर वो डिपेंड करता है टाइम डोमेन पैरामीटर पे, इफ पोल ऑफ द सिस्टम विल डिपेंड ऑन द टाइम डोमेन पैरामीटर देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम। और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है जो पोल है वो टाइम डोमेन पे डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है कि वो सिस्टम राइट हैंड साइड में आ जाए, है ना। कल ही हम पढ़ेंगे दिस इज हमारा इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज हमारा रियल एक्सिस, अगर सिस्टम इधर हो तो राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड, अगर सिस्टम राइट हैंड साइड हो तो सिस्टम क्या हो जाता है अनस्टेबल, और अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो सो अगर पोल तुम्हारा टाइम डोमेन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है और टाइम तो चेंज होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो तुम्हारा पोल है वो राइट हैंड साइड जाए और सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल, क्लियर है। तो तुम डिफाइन करोगे क्लोज लूप सिस्टम को द सिस्टम वेयर द पोजीशन ऑफ द पोल विल डिपेंड ऑन द टाइम डोमेन पैरामीटर देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम एंड देयर माइट बी द चांस दैट द पोल ऑफ द सिस्टम विल कम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। हमने कहा दो टाइप का क्लोज लूप सिस्टम होता है, एक नेगेटिव फीडबैक और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोज लूप का, अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या क्या एग्जाम्पल है देखो, सबसे पहले एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक एयर कंडीशन आता है, हम सेट किए एयर कंडीशन को 21 डिग्री पे, हम सेट कर दिए। अब हम क्या किए हैं, रूम का टेम्परेचर 21 के अकॉर्डिंग वो सेट कर दिया, ठीक है, रूम का टेम्परेचर सेट कर दिया। अब हम क्या किए, वहां पे हीटर जला दिए रूम पे, टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो सेंस करेगा एयर कंडीशनर, मतलब उसको फीडबैक मिला, तो
तो फीडबैक क्या मिला बच्चों को, फीडबैक हीटर, मतलब अब मान लो आग जला दिया, हीटर जला दिया, तो वो पाथ में, मतलब जो तुम्हारा पाथ को फीड कर रहा है एयर कंडीशनर को, वो हीटर है या कोई आग है, कुछ भी है, गर्म चीज। कुछ भी तुम्हारा गर्म चीज है, तो यानी वो फीडबैक पाथ हो गया। अब क्या करेगा वो एयर कंडीशनर, सेंस करेगा, ठीक है, वो सेंस किया, अब वो क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा, और घटाना चाहेगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, तो वो घटाना चाहेगा रूम का टेम्परेचर, ठीक है, तो वो फीडबैक लिया और रूम का टेम्परेचर कम कर दिया। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, दिस इज अ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। अब मान लो ओपन लूप सिस्टम क्या हुआ, हम एयर कंडीशनर ऑन किए, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा रूम में हीट प्रोड्यूस कर दिए और फिर भी वो उतना ही, या फिर बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं इस रूम में, तो रूम का टेम्परेचर क्या गया, बढ़ गया, अब वो उतने ही पे काम कर रहा है, तो ये ओपन लूप सिस्टम, मतलब अब हमको फिर से ही करना पड़ेगा, दिस इज ओपन। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम क्या हुआ, क्लोज लूप सिस्टम जब वो खुद सेंस करके ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है, दैट इज तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम। फीडबैक क्या हुआ, जो भी तुम्हारे पाथ में आएगा, मतलब या तो बहुत ज्यादा लोग आ गए उस रूम में, या तुम कुछ हीटर जला दियो, आग जला दियो रूम में, तो वो तुम्हारा क्या होगा, फीडबैक पाथ। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फीडबैक पाथ में एरर आए, पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, वो तुम जान बुझ के क्रिएट कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फीडबैक पाथ में एरर प्रोड्यूस हो, तो इसलिए सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि फीडबैक पाथ जरूरी नहीं है कि तुमको एग्जैक्ट ही चीज बताए तुमको सेंसर को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फीडबैक तुम्हारा एरर भी प्रोड्यूस करे। ओपन लूप में कोई फीडबैक पाथ नहीं था इसलिए एरर का चांस नहीं था, बट यहाँ पे फीडबैक पाथ की वजह से ही सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो सकता है। तो यही है तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत है बच्चे, जैसे आयरन, आजकल क्या ऑटोमेटिक आयरन आ गया, पहले क्या होता था कि हमको सेट भी करना पड़ता था कि चलो भाई गरम ये वुलन ले रहे हैं, सिल्क कपड़ा ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट किया। लेकिन आजकल जो तुम्हारा आयरन है ऑटोमेटिक आयरन, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक तुम कपड़े के आयरन को कपड़े के ऊपर लाओ, वो सेंस कर लेगा कि इसको कितना हीट चाहिए और वो उसको उतना ही हीट देगा, दैट इज तुम्हारा क्या, क्लोज लूप सिस्टम। बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम के। बेसिकली तुमको यही समझना है कि फीडबैक पाथ की वजह से एरर आ सकता है, इसीलिए सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम। अब हम देखते हैं सबसे पहले निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम हम देखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिए, एक सिस्टम लिए, ठीक है, इस सिस्टम का गेन लिए जीएस, ठीक है, एक इनपुट आरएस और हमारे पास आउटपुट सीएस, ठीक है, यही होता है ना। ये कोई सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे, एक सिस्टम जिसमें एक इनपुट हो एक आउटपुट हो, तुम्हारा बॉडी कंसिस्ट कर रहा हो, वही होता है ना ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या, एक सिस्टम में हम जितना इनपुट दिए आउटपुट मिला, वही ट्रांसफर फंक्शन है। तो दिस इज तुम्हारा सिस्टम, इसमें हम इनपुट दिए, ये हमको आउटपुट मिला, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फीडबैक लिए, मतलब आउटपुट से एक पाथ लिए, ठीक है, दिस इज हमारा फीडबैक, फीडबैक का वैल्यू लिए एच एस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फीडबैक पाथ, और ये फीडबैक ये होंगे, आगे हम सब पढ़ेंगे ये क्या होता है, कैसे इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, इस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सब पढ़ेंगे ब्लॉक रिडक्शन में। फिलहाल जितना हमें जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये हम निगेटिव फीडबैक क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये सिस्टम में निगेटिव मतलब माइनस करता है सिस्टम के वैल्यू को, इसलिए इसको निगेटिव फीडबैक बोलता है। इसको हम दिखाते हैं माइनस साइन से और ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाता है, और ये एरर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्या है इसका वैल्यू, कितना परसेंट एरर प्रोड्यूस करता है, किस सिस्टम में, ये सब पढ़ेंगे आपको टाइम डोमेन एनालिसिस। फिलहाल ये जानो दिस इज नोन एज एरर, इसको हम एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि
ये फीडबैक पार्ट की वजह से यहाँ पे एरर आ सकता है, इसलिए हम एरर इसको लिए हैं। ठीक है, ई एस इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड गेन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये सीएस, इस सीएस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई एस इंटू जी एस। वी कैन राइट सी एस इंटू जी एस, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट देखो यहां से हमारा क्या आ रहा है, यहां से सी एस, दिस इज सी एस, दिस इज सी एस, और ये मिला किससे, एच एस से। तो यहां पे कितना वैल्यू आएगा, सी एस इंटू एच एस। आउटपुट क्या है, सी एस ये किससे मिला, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, एच एस से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो ये एरर को क्या लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल टू, ई एस इज इक्वल टू आर एस आ रहा है, इसका प्लस साइन है, तो आर एस। और इधर से क्या आ रहा है, देखो प्लस आर एस और माइनस क्या, तो सी एस, सॉरी आर एस माइनस ऑफ क्या, सी एस इंटू एच एस, माइनस सी एस इंटू एच एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर टू। सुन क्या रहा है, क्लियर हुआ होगा तुम आपको। तो अब हमको इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, निगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जिससे पहला इक्वेशन हमारे पास आया है ई एस इंटू जी एस, और दूसरा इक्वेशन है ई एस इक्वल टू आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। तो देखो ये सी एस हम यहाँ पर करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन वन। तो क्या आ गया हमारा, सी एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस एच एस इंटू जी एस, मल्टीप्लाई करो आर एस जी एस माइनस सी एस एच एस जी एस। ओके, अब देखो सी एस इधर है, इधर भी सी एस है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, सी एस को ऑफर ले लेते हैं वन, ये माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया एच एस जी एस। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आर एस इंटू जी एस। हम लोगों को क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैपलास ऑफ आउटपुट बाय लैपलास ऑफ इनपुट। तो आउटपुट क्या, आउटपुट क्या है, सी एस। तो देखो सी एस आर एस को इधर लेके आ गए, तो सी एस बाई आर एस कितना बचा, इधर जी एस, जी एस डिवाइडेड बाय इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, वन प्लस जी एस इनटू तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और ये हम लोग को जरूरत है टाइम डोमेन एनालिसिस को, इसलिए भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस प्लस ऑफ ए, तुमको कैसे भी याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमको मगर करो, तुम कुछ करो, तुमको याद रखना ही पड़ेगा ये फॉर्मूला जी एस बाई वन प्लस जी एस एच एस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट वी विल सी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक फिर से क्या लेंगे बच्चों, दिस इज हमारा गेन ऑफ द सिस्टम, उसके बाद क्या होगा आउटपुट होगा, और क्या होगा इनपुट होगा, और क्योंकि ये क्लोज लूप सिस्टम है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, फीडबैक पाथ लिए जिसका वैल्यू क्या होगा एच। ये कैसा सिस्टम है, पॉजिटिव, यानी सिस्टम में क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेगा, पॉजिटिव करेगा सिस्टम को। तो यहाँ पे कैसा साइन होगा, प्लस, अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। तो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है एरर, दिस इज तुम्हारा एरर। तो अब क्या लिखोगे, देखो सी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एस इक्वल टू ई एस इक्वल जी एस, ई एस इससे मल्टीप्लाई होकर सी एस दे रहे हैं, तो ई एस इंटू जी एस, दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब देखो ये जो सी एस, अब यहाँ से लेना फीडबैक था, तो ये पॉइंट पे ये सी एस हमारा सी एस से मल्टीप्लाई हुआ एच एस से, और तुमको क्या दिया सी एस इंटू एच एस, और ये कहाँ जा रहा है यहाँ पे, तो ई एस को लिख सकते हैं ई एस इक्वल टू क्या आर एस प्लस में है, चलो प्लस आर एस।
पूरे इक्वेशन नंबर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो सी एस इक्वल टू कितना जाएगा, आर एस प्लस सी एस एच एस इंटू जी एस, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, सी एस इज इक्वल टू आर एस जी एस प्लस सी एस एच एस जी एस। अब देखो ये सी एस है, यहाँ सी एस है, इसको एक साइड पे लिया जाए तो क्या आ जाएगा, सी एस कॉमन आ जाएगा, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस जी एस एच एस इज इक्वल टू आर एस जी एस, ठीक है, आर एस जी एस। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, सी एस बाई आर एस, हम सब टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आर एस इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, जी एस डिवाइडेड बाई वन माइनस जी एस, दिस इज द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ क्लोज लूप सिस्टम का जब पॉजिटिव फीडबैक हो, इट्स वेरी इजी, तुमको ये याद रखना है पॉजिटिव फीडबैक का फॉर्मूला जहां पे माइनस होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है तो प्लस होता, क्लियर है, जितना ट्रांसफर फंक्शन कहे चीजों का रिक्वायरमेंट है हमको टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए अभी उतना पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस तब हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, मेंशन गेट फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए हम लोग को इतना रिक्वायरमेंट था, और आई होप कि तुम लोग क्लियर हो रहा होगा सारा चीज एक एक पॉइंट, तो ये इतना रिक्वायरमेंट है हम लोग को टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टाइम डोमेन एनालिसिस, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम रिस्पॉन्स, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है टाइम रिस्पॉन्स, तो बच्चों इतना क्लियर होगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके, चलो थैंक यू।